दोस्तों, गलवान में चीन से झड़प के बाद भारत को यह सूचना मिली थी कि चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा की तरफ ZTZ-04A और टाइप 15 लाइट टैंक्स को तैनात कर रखा है। भारतीय सेना भी अपनी तरफ से लाइट टैंक तैनात करना चाहती थी, लेकिन भारत के पास ऐसे टैंक्स मौजूद नहीं थे, जिसके बाद भारत को अपने भारी भरकम टैंक्स को वहाँ पर तैनात करना पड़ा था। पहले भारत ऐसे टैंक्स रूस से खरीदना चाहता था, लेकिन बाद में फैसला हुआ कि ऐसे टैंक्स अपने देश में ही बनाए जाएंगे। अब प्रोजेक्ट जोरावर को अनुमति मिल चुकी है। असल में यह देश का पहला ऐसा टैंक होगा जिसे माउंटेन टैंक बुलाया जा सकेगा। यह हल्का होने की वजह से इसे आसानी से उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। माना जा रहा है कि इसकी मुख्य तोप 120 मिलीमीटर की होगी, ऑटोमेटिक लोडर, रिमोट वेपन स्टेशन जिसमें 12.7 मिलीमीटर की हैवी मशीन गन इस पर तैनात होगी। असल में यह कम वजन का ही होगा, लेकिन ताकत मुख्य युद्धक टैंक जैसी होगी। जोरावर लाइट टैंक साल 2023 से रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। 2024 तक इसके ट्रायल्स चलेंगे, इसके बाद इसे भारतीय सेना को एक के बाद एक सौंप दिया जाएगा। ये टैंक बनाया ही जाएगा हाई अल्टीट्यूड के लिए, यानी तवांग हो या फिर लद्दाख, दोनों ही जगहों पर यह कारगर साबित होगा। जोरावर लाइट टैंक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीकें होंगी। साथ ही इसमें मिसाइल फायरिंग की भी क्षमता होगी। इसमें दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने की यंत्र वार्निंग सिस्टम भी लगे होंगे, यानी यह मीडियम बैटल टैंक्स के बजाय भारतीय सेना की ज़्यादा मदद करेंगे। चीन ने अपनी तरफ जो टैंक्स लगाए हैं वो 33 टन से कम वजन के हैं, उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि भारत के फिलहाल सीमा पर कोई टैंक्स नहीं लगाए हैं। इस समय चीन सीमा पर K-9 वज्र तैनात है, जो बेहद ताकतवर है। इसके अलावा भारतीय सेना ने स्वदेशी होविजर को भी तैनात किया है। यह चीन की हालत खराब करने के लिए काफ़ी है, लेकिन लाइट टैंक्स के पहुँचने से चीन की हरकतों पर और विराम लगना शुरू हो जाएगा। जोरावर टैंक को DRDO ने डिजाइन किया है। इसे बनाने का काम लार्सन एंड टुब्रो को दिया गया है। अगले 2 साल में इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। भारतीय सेना को ऐसे 350 टैंक्स की ज़रूरत है। यह टैंक्स मात्र 25 टन के होंगे। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की ज़रूरत होगी। इसे इस तरह बनाया जाएगा कि इसके कवच पर बड़े से बड़े हथियार का हमला असर न करे, इसके अंदर बैठे लोग सुरक्षित रहें, इसकी मारक क्षमता में कोई कमी नहीं होगी, साथ ही यह बेहतर स्पीड में चल सकेगा और साथ ही इसके अंदर आधुनिक संचार तकनीक लगाई जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है जानकारी पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।